कनिष्का रामानुज सात्विक श्रीवास्तव आयुष। हमारे आपके स्कूल टाइम में क्लास में होने वाली अटेंडेंस यस सर नो सर या प्रेजेंट सर बोलकर हुआ करती थी, लेकिन आज भगवान राम के नाम का जादू सारे देश के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। जहां देखो वहां सिर्फ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के सुहागपुर के एक स्कूल में अब स्टूडेंट्स अटेंडेंस के वक्त होने वाली हाजिरी जय श्री राम बोलकर लगा रहे हैं। स्कूलों में छोटे छोटे मासूम बच्चे जब पूरे जोश के साथ जय श्री राम या जय सिया राम बोल रहे हैं तो देखने वालों में भी गजब का उत्साह बढ़ जाता है। फिर से देखिए और सुनिए। कौशिक, विराज, आकाश, प्रांजल, देविक, रुइका, अनिश, वेदांत। ना सिर्फ क्लासरूम में बल्कि खेल के मैदान में भी बच्चे जय श्री राम के नारे लगाते घूम रहे हैं। सुनिए। मध्य प्रदेश के सुहागपुर का समेरिटन स्कूल राम के रंग में रंगा हुआ है। जैसे जैसे अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन पास आता जा रहा है, वैसे वैसे राम का रंग सभी पर गहरा होता जा रहा है। इन दिनों पूरा देश राम के रंग में सराबोर है। समेरिटन्स ग्रुप के स्कूलों में तो हफ्ते भर से राम उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत सुहागपुर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अब अपनी अटेंडेंस के दौरान यस सर या यस मैम बोलने की जगह जय श्री राम बोल रहे हैं। स्कूल की इस पहल का अभिभावक और नागरिक जमकर सराहना और स्वागत कर रहे हैं। सारे बच्चे सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, श्री राम का नाम ले रहे हैं। सुबह सुबह जय श्री राम बोलना ये तो बहुत अच्छी बात होती है। इसमें बच्चों जैसे सारे धर्मों में अपने अपने धर्मों की शिक्षा दी जाती है, तो बच्चे भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म के प्रति जागरूक होंगे। कई चीज़ें उन्हें नई नई जानने को मिलेगी, जैसे श्री राम को रामचंद्र क्यों कहा जाता है ना, रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को मालूम होनी चाहिए जो आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक चीज़ है कि बच्चों को यस मैडम या फिर प्रेजेंट मैम बोलने की बजाय जय श्री राम कहा जाए। इस बारे में स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि हमारी सभी संस्थाओं में संस्कृति और धर्म से जुड़े संस्कार दिए जाते हैं। हमारे संस्थानों में ये कोई नई बात नहीं है। अभी पिछले एक हफ्ते से तो प्रतिदिन भगवान श्री राम और रामलला प्रतिष्ठा समारोह, इन पर ही सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। और प्रतिदिन सुबह प्रेयर के समय लगभग आधे घंटे ये प्रतियोगिताएँ भी होती हैं, और भगवान राम के विषय में बच्चे उनके पेरेंट्स को भी सम्मिलित किया जाता है। और इसको एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही बोलेंगे, इसमें किसी प्रकार का प्लान नहीं था कि बच्चों को जब अटेंडेंस में उनका नाम लिया गया और सहज ही एक बालक ने यस सर या यस मैडम की जगह जय श्री राम कह दिया और क्लास में वैसा ही वातावरण बनते चला गया, तो अगले दिन प्रायः सभी बच्चे उनसे ऐसा कहा गया कि आप जय श्री राम बोलें तो कैसा रहेगा। तो ये स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था बच्चों का, इसमें किसी प्रकार की ना तो प्लानिंग थी ना योजना थी, क्योंकि सारा स्कूल का वातावरण ही पूरा राममय हो गया है। हम लोगों के 8 स्कूल हैं, सभी जगह प्रतिदिन नए नए आइडियाज आ रहे हैं। इस नए और यूनिक तरीके से अटेंडेंस देकर बच्चे भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। सर, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सनातन धर्म अब लौट रहा है। राम का नाम ही बहुत पॉजिटिव माना जाता है, तो जब सुबह सुबह राम जी का नाम लेना तो बहुत शुभ है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस पर। क्योंकि जब से मतलब ये अयोध्या में जब 500 साल के संघर्ष के बाद जब ये राम मंदिर का वो हुआ है, तो उसी के बाद ये नए नए आइडियाज़ आए हैं। लाइक जैसे अभी पोस्ट कार्ड वगैरह भी लिखे थे स्कूल की तरफ से, एंड अब राम भगवान का नाम लिया जा रहा है, सनातन धर्म को और प्रमोट किया जा रहा है, जो हिंदुइज्म में पहले दब रहा था अब वो और उठ के आ रहा है। सर, मुझे यह मतलब ये जान के बड़ी गर्व की बात हुई, क्योंकि हमारे आपकी जनरेशन में, हमारी जनरेशन में ये सब नहीं हुआ करता था,
पर अभी हमारे स्कूल में, हमारे मैनेजमेंट में एक नया आइडिया आया है कि हम लोग सुबह अटेंडेंस की जगह जब हम लोग यस मैम नो मैम बोलते हैं उसकी जगह हम लोग जय श्री राम बोलें। इस समय देखा जाए तो समैरिटन ग्रुप की ये नई पहल सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो रही है। समैरिटन ग्रुप ऑफ स्कूल्स मैनेजमेंट का कहना है अब नए तरीके से अटेंडेंस लेने का राममय तरीका आगे भी जारी रहेगा।